हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लेसन 12 लेसन ऑब्जेक्टिव में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कर्जन ने करवाया था। कोलकाता में जो स्थित है विक्टोरिया महल, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कर्जन ने करवाया था। दिल्ली में स्थित जो लाल किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या चीज़ का निर्माण कराया था? कुतुब मीनार का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। सांची या छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। सांची स्तूप का निर्माण करने वाला मौर्य राजा कौन था? अशोका। सांची स्तूप का निर्माण करने वाला आगरा स्थित लाल किला जो है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक है, जहांगीर का जो अथी टॉम्ब है कहाँ है? लाहौर में। आइस का सिकंदराबाद में, और अकबर का हौज खास किसने बनवाया था? हौज खास किसने बनवाया था? B89 का बी अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास जो था, किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह बताइएगा कि हौज खास कहाँ है? कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। जयपुर स्थित जो महल है, हवा महल, उसका निर्माण कराया था किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर में स्थित जो हवा महल है, उसका निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी यूपी में है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। श्री हरिकोटा स्थित कहाँ है? आंध्रा में। श्री हरिकोटा आंध्रा में। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला बनाया गया है, ये किसने कराया था? तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। दिल्ली में भी, मथुरा में भी, उज्जैन में भी है, जयपुर में भी है। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा ये कहाँ स्थित है? नासिक के नज़दीक स्थित है या फिर मुंबई के? तो मुंबई के समीप स्थित है। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा मुंबई के समीप है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया है? फिरोज शाह तुगलक ने या इल्तुतमिश ने? इल्तुतमिश ने। मुख्य द्वार भी इल्तुतमिश ने बनवाया है। ठीक है, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार के साथ साथ कुतुब मीनार का पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। शुरुआत करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और एक फ्लोर और बनाया गया, थोड़ा सा डैमेज आ गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध, शेर के लिए। सी सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान बाहर भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कोसानी। कोसानी जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। कोसानी जो क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल में। कार्बेट नेशनल पार्क जो है किस जिले में स्थित है? नैनीताल में है। कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? मैसूर में है।
कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? मैसूर में है। ओके, चार मीनार हैदराबाद में। ओके, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अकबर, अशोका का स्तंभ है। एम्बलम भी है जो कहाँ है? सारनाथ में है, शेरवलम। भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह है कौन? सबसे प्राचीन तारामंडल जो है कोलकाता में है। ओके, सबसे प्राचीनतम जो तारामंडल है वो घर कहाँ है? कोलकाता में। चार मीनार हैदराबाद में। और बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता है? गोल गुम्बज के लिए जाना जाता है। ओके, या फिर घोर सूखे की दशा के लिए? बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो गोल गुम्बज के लिए। ओके, ऑप्शन में दिया हुआ ए गलत। ओके, याद रखिएगा। और गुमतेश्वर मंदिर कहाँ है? आपको बताए थे। अमरनाथ गुफा स्थित कहाँ है? अमरनाथ गुफा जो है तिब्बत में है। ओके, या फिर जम्मू कश्मीर में है? जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ गुफा। ओके, अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। कांगड़ा जो नृत्य है कहाँ पाया, पेंटिंग जो है कहाँ, किससे संबंधित है? एचपी से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा प्रताप ने करवाया था कि राणा कुंभा ने करवाया था या राणा सांगा ने? राणा कुंभा ने। ओके, चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ओके, चित्तौड़ में जो दुर्ग है विजय स्तंभ नाम है और ये किसने कराया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, कुंभा। ओके, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थित है बिहार में स्थित है। ताजमहल के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है आपको। यह एक भव्य मकबरा है। जी हाँ, बिल्कुल एक मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, बिल्कुल सही है। आगरा कोर्ट के बाहर स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल आगरा कोर्ट के बाहर स्थित है, कोर्ट में थोड़ी रहेगा। इस पर अन्य कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं, इन्होंने इसका निर्माण किया था, जिन्होंने, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बीरभूमि किसे संबंधित है? बीरभूमि ए है बी राजीव गांधी से। बीरभूमि किससे है? राजीव गांधी से है। ओके, गारो हिल्स कहाँ है? गारो हिल्स है मेघालय में। गारो खासी जयंतिया है न पहाड़ी, तो याद रखिएगा मेघालय में है। ओके, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का किला राजा मानसिंह ने, तोमर ने बनवाया था। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? मानसिंह, तोमर ने। ओके, ग्वालियर का किला। औरंगजेब क्या बजाते थे? बीना बजाते थे। और ग्वालियर घराना जो है ये सबसे पुराना ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है और यही इसका जैसे आविष्कारक भी कहा जाता है। ख्याल गायकी से संबंधित है वे अमीर खुसरो। ओके, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ओके, इत्माद दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है, सबसे पहले ये याद रखिएगा। और ये किसने बनवाया था? नूर जहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो नूर जहाँ ने बनवाया था इत्माद दौला का मकबरा जो आगरा में है।
नूरजहां ने बनवाया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? बिहार में विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। सांची का महान स्तूप है कौन? मध्य प्रदेश में। सांची महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। ओके, अशोका ने करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीनतम नाम। ओके, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? तो सारनाथ है या कौशाम्बी है? तो जैन के साथ साथ देखिए बौद्ध के लिए सारनाथ चल जाता है, लेकिन दोनों बोला तो कौशाम्बी याद रखिएगा, ठीक है? जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए। कुशीनगर में किनकी मृत्यु हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है, कहाँ स्थित है अरबिंदो आश्रम? पांडिचेरी में। अरबिंदो आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में स्थित है अरबिंदो आश्रम। किस स्थान के खंडहर विजय की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी में। ओके, किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन जो राजधानी है यानी प्राचीन राजधानी के बारे में बताता है तो वो कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो हम्पी करता है आपका। ओके, हम्पी करेगी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। ओके, विवेकानंद ने की थी। कौन सा वस्तु तह गार्डन नहीं है? गार्डन नहीं है। ईडन गार्डन स्टेडियम है। ओके, गार्डन नहीं है। नाम भले ईडन गार्डन है लेकिन स्टेडियम है, ये कोलकाता में है। तो ये आंसर बी हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ है? बताए थे मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। खुसरो गार्डन कहाँ है? लखनऊ में। खुसरो गार्डन लखनऊ में, और छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है, ठीक है। हैंगिंग गार्डन कहाँ है? मुंबई में। हैंगिंग गार्डन मुंबई में है। भारत के सिलिकॉन घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत के सिलिकॉन घाटी स्थित है कहाँ? देहरादून में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में है। श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारकापुरी ये चार मठ है स्थापित किए था किसने? शंकराचार्य ने किया था। ओके, पूरी उड़ीसा में। बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ओके, श्रृंगेरी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है? बताए थे आंध्र प्रदेश में। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। ओके, राणा कुंभार ने क्या करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्रेमबदूर किसका जन्म स्थान है? प्रेमबदूर में किसका जन्म हुआ था? प्रेमबदूर में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। ओके, तमिलनाडु के प्रेमबदूर में जन्म हुआ था रामानुजाचार्य का। ओके, प्रेमबदूर किसका जन्म स्थल है? तो रामानुजाचार्य का। दूसरे में देखिएगा तो ए दिया हुआ ऑप्शन है, इसलिए संभाल करके मारिएगा, ये गलत है ऑप्शन ए, ठीक है। रामानुजाचार्य का जन्म प्रेमदुर में हुआ था, और मध्वाचार्य का जो जन्म हुआ था पजाका में हुआ था, उडुपी के पास कर्नाटक में ही है। ओके, मध्वाचार्य का जन्म पजाका में। साइलेंट वैली ने जो घाटी है इसमें भी आंसर गलत दिया, जबकि ये साइलेंट वैली केरल में है। ओके, साइलेंट वैली कहाँ है? जम्मू की घाटी भी कहते हैं, केरल में है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप बताए थे अशोका ने करवाया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ओके,
तो इस प्रकार 129 क्वेश्चन लेसन 12 का खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।